सदाबहार अभिनेत्री रेखा की पर्सनल जिंदगी को लेकर समय समय पर बातें सामने आती रहती हैं और शायद यही वजह है कि रेखा की जिंदगी को कोरा कागज कहा जाता है। रेखा ऐसी कोरी किताब है जिस पर समय समय पर लोगों द्वारा कई तरह की बातें लिखी जाती रही हैं, लेकिन रेखा आगे बढ़कर कभी अपनी सफाई में कुछ नहीं कहती। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रेखा के पति मुकेश अग्रवाल का काफी टाइम पहले ही देहांत हो चुका है। साल 1990 में रेखा ने मशहूर हॉटलाइन ग्रुप और निकिताशा ब्रांड के मालिक मुकेश अग्रवाल से शादी की और शादी के एक साल बाद ही यानी कि साल 2091 में मुकेश अग्रवाल ने अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। मुकेश के निधन के बाद रेखा को लेकर कई तरह की बातें की गईं, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो मुकेश के इतना बड़ा कदम उठाने के बाद कुछ लोगों ने ये कहा कि वो सन की बीमार थे और इसी सनक में आकर उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया, लेकिन मुकेश के करीबी दोस्तों ने ये मानने से साफ तौर पर मना कर दिया। इन लोगों का ऐसा कहना था कि मुकेश मुसीबतों से भागने वालों में से नहीं थे और उनकी जान देने के पीछे उनकी मजबूरी नहीं बल्कि आत्मसम्मान था। मुकेश युद्ध के मैदान में लड़ने वाले उस योद्धा की तरह थे जो जंग हारने के बाद दुश्मनों के हाथ मरने की बजाय खुद को मार लेना सही समझते थे। गौर हो कि मुकेश के निधन के बाद साल 2008 में रेखा को एक बार फिर से अपनी मांग में सिंदूर सजाए देखा गया, जिसके बाद रेखा और अमिताभ का नाम एक बार फिर से साथ जुड़ने लगा। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।